दोस्तों, मैं इसके वैष्णव संतोष वैष्णव, कॉस्मोस कोचिंग क्लासेज के ऐप पर आपकी डिमांड के अनुसार एक टॉपिक जिसे आपने बोला था मुगल वंश लेकर के आया हूँ। आज के बाद आपको मुगल वंश दोबारा पढ़ने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना। देखिए, मुगल वंश मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा था, जिससे कई बार एग्जामों में बहुत प्रश्न आते रहते हैं। इस मुगल वंश में कई महत्वपूर्ण शासक हुए थे, उनको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, और वो ये शासक थे इस ट्रिक के माध्यम से समस्त मुगल शासक आपको याद ही रह सकते हैं, वो अशोक। देखिए, उमर शेख मिर्जा का ही बेटा हुआ था बाबर, और यह वही बाबर है जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। इसी का बेटा हुआ था हुमायूं, और हुमायूं का बेटा हुआ था अकबर, जो मुगल शासकों के सभी शासकों में महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसके बाद में हुआ था जहांगीर। इस जहांगीर के बारे में अपन सब जानते हैं कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का शासनकाल कहलाता है। और इसके बाद हुआ था शाहजहां, जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। और इसके बाद हुआ था औरंगजेब। ये औरंगजेब पर मुगल वंश बहुत अच्छे ढंग से चला था, लेकिन इसके बाद में इसके पतन के कगार पर धीरे धीरे जाता था। और अंतिम शासक हुआ था वो हुआ था बहादुर शाह सेकंड। इसे याद रखना है, क्योंकि एग्जामों में सेकंड आता है, और इसी को कहा जाता है बहादुर साहेब जफर, और जिसने 1857 की क्रांति में क्रांति का नेतृत्व करने वाला भी यही बहादुर साहेब जफर था, जिसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून की जेल में डाल दिया था, और इसी के साथ मुगल वंश समाप्त हो गया था। देखिए, अब अपन को समझना है बाबर। जो मुगल वंश का भारत में संस्थापक था बाबर, ये बाबर महत्वपूर्ण शासक था, जिसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का जन्म हुआ था फरवरी 1483 ईस्वी को। इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म वो हुआ था समरकंद, और समरकंद जो पड़ता है वो फरगना में पड़ता है, और फरगना जो है वो काबुल में है, और काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान देश की राजधानी का नाम काबुल है। तो अपन को हमेशा ऑप्शन के आधार पर पहला उत्तर करना है समरकंद। अगर समरकंद ऑप्शन नहीं है तो करना है फरगना, और फरगना नहीं है तो करना है काबुल, और काबुल नहीं है तो फिर अफगानिस्तान देश करना है। कई बार चारों ही ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसका उत्तर पहला आंसर जाता है समरकंद। इसका जन्म हुआ था, जो बाबर था इसके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो उस समय फरगना के शासक थे। इसकी मां का नाम था कुतलुग निगार खान। इसके गुरु का नाम था नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला एहरिया। देखिए, ये एसएससी में भी आया था प्रश्न, एक बार फिर से सुनेंगे। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में समरकंद फरगना काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना के शासक थे। इसकी माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था। गुरु का नाम था नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला एहरिया के शिष्य थे कौन बाबर थे। ये उमर शेख मिर्जा जो था, इसने बाबर को राज्याभिषेक किया था 1494 ईस्वी में। तो अगर आप कभी अपन के आए कि बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 1494 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने अपने जीवन में कई उपाधियां ग्रहण करी, और उन उपाधियों में पहली उपाधि का नाम था बादशाह, दूसरी उपाधि का नाम था कलंदर, और तीसरी उपाधि का नाम था काजी। बाबर ने अपने जीवन में तीन उपाधियां महत्वपूर्ण ग्रहण करी थी, पहली बादशाह, दूसरी कलंदर, और तीसरी गाजी। बाबर के दो निशानेबाज थे, निशानेबाज। देखिए, निशानेबाज भी अपन के अभी रीट वाली एग्जाम में भी पहले आया था,
तो बाबर के दो निशाने वाले पहले का नाम था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफा। जो दो महत्वपूर्ण निशाने वाले थे उस्ताद अली और मुस्तफा। तो बाबर के एक निशाने वाले थे दो, उस्ताद अली और मुस्तफा थे। बाबर ने कितनी उपाधियां ग्रहण करी थी? बादशाह, कलंदर और कंसी। काफी जिनमें महत्वपूर्ण उपाधि थी बादशाह की, और बादशाह की उपाधि इसने 1507 ईस्वी में ग्रहण करी थी। जो महत्वपूर्ण उपाधि थी बादशाह, अर्थात तुर्क शासकों में बादशाह की उपाधि ग्रहण करने वाला शासक कौन था? बाबर था। अब देखिए बाबर के बारे में देखे, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। कई बार आ जाता है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 2 बार 3 बार 4 बार। तो अपन को बाबर ने आक्रमण जो किए थे वो 5 बार आक्रमण किए थे, 5 बार। बाबर ने 1518-19 ईस्वी में एक जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था और वो थी यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर ने आक्रमण किया और 2 प्रांत जीते थे, और वो प्रांत जो जीते थे उनका नाम था, नंबर 1 प्रांत था बाजवर और दूसरे प्रांत का नाम था भैरा। ये बाजवर और भैरा दोनों प्रांत इसने 1518-19 में यूसुफ जाई जाति से जीते थे, और इसने भारत पर आक्रमण करनी थी। उस समय भारत में लोदी वंश का शासन चलता था। तो बाबर ने जो आक्रमण किए थे उनको महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए थे उनको अपन एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, और बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इसको अपन इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखिए इसके लिए 2-3 ट्रिकें होती हैं, लेकिन अपन ये ट्रिक ठीक रहती है, पीकेसी घाघरा। अगर ये छोटी सी ट्रिक है इससे भी अपन को ये याद रह सकते हैं पूरी युद्ध, पीकेसी घाघरा। पी का मतलब होता है जो था पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए भारतीय इतिहास में पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। लेकिन जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर के समय हुआ था, और वो हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजयी रहा, अर्थात बाबर विजयी रहा तो पानीपत का युद्ध कौन जीत गया, और लोदी वंश भारत से समाप्त हो गया था। वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, और बाबर विजयी रहा और भारत में मुगल वंश की नींव रख गई। इसके बाद के का मतलब होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। यह राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ये राणा सांगा भी है जो राजस्थान के थे। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हुए और बाबर विजयी रहे। इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया था, जिहाद का। अगर कभी कभी प्रश्न आता है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, तो वो युद्ध था खानवा का युद्ध, और खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और इस जिहाद के नारे के बाद में, इस युद्ध में विजयी होने के बाद में, इस बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की। कभी कभी प्रश्न आता है बाबर ने महत्वपूर्ण उपाधि कौन सी ग्रहण की, तो बादशाह की ग्रहण की थी। और बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद ग्रहण की थी, तो खानवा युद्ध के विजय होने के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। सी का मतलब होता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था, और ये हुआ था मैदनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ही विजय रहा। देखिए तीनों युद्ध हो चुके, तीनों युद्धों में बाबर ही विजय रहा है। और अगला हुआ था अपन का घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। देखिए आगरा के निकट जो घाघरा नदी है उसी नदी के किनारे हुआ था, और ये हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था अफगान सरदार और बाबर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी कौन विजयी रहा था? बाबर विजयी रहा। एक बार दोबारा से देखेंगे, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार आक्रमण किए।
1518-19 ईस्वी में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध आक्रमण किया और उसमें दो प्रांत जीते थे, पहला बाजौर और दूसरा फेरा। बाबर ने भारत में बहुत से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जिनको अपने ट्रिक से समझ सकते हैं। पीके सी घाघरा, पीका मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा था और लोदी वंश भारत से समाप्त हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था, के का मतलब होता है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर विजय रहा, और इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। सी का मतलब होता है चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर विजयी रहा था। घाघरा का युद्ध जो था वो 1529 ईस्वी में हुआ, अफगान सरदार और बाबर के बीच हुआ, इन चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा। और बाबर के एक सेनापति का नाम था और उसका नाम था मीर वाकी, और इसी मीर वाकी ने भारत में जो राम मंदिर था उस राम मंदिर को तोड़ करके नीचे एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, और वो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद का निर्माण। तो आपने ये कुछ करंट में भी रहा था कि कौन से सेनापति ने इसका मंदिर को तोड़वाया था, तो वो मीर वाकी, ये भी अपन ने कई बार एग्जामों में आ जाता है। देखिए इस बाबर के जो चार बेटे हुए थे, ये भी प्रश्न आपके आ चुका है, बाबर के चार पुत्र हुए थे, पहले पुत्र का नाम था, बाबर के चार पुत्र हुए थे, पहले पुत्र का नाम था हुमायूं और दूसरे पुत्र का नाम था कामरान, तीसरे पुत्र का नाम था अश्कर और चौथे पुत्र का नाम था हिंदाल। बाबर के चार बेटे हुए थे, पहले का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम था कामरान और तीसरे का नाम था अश्करी और चौथे का नाम था हिंदाल। जब बाबर ने अपना राज्य इतना बड़ा विस्तृत कर दिया था, तब उसने अपने बड़े बेटे हुमायूं को बुलाया और हुमायूं से कहा, देखिए हम मुगल कट्टर होते हैं, ऐसा मत करना कि मेरे साम्राज्य पर तू ही शासन करे, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो ऐसा करना इस मेरे साम्राज्य को सभी भाइयों में विभाजित कर देना, और यही हुमायूं की आगे जाकर सबसे बड़ी भूल सिद्ध होगा। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हुमायूं की सबसे बड़ी भूल क्या होगी, तो वो होगा साम्राज्य विभाजन होगा। देखिए बाबर जो था, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, जिसे अपन सीधे शब्दों में बाबरनामा कहते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न में ऑप्शनों में ये नहीं आता, इसका नाम आता है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तो अगर प्रश्न आए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी, तुजुक ए बाबरी, कभी कभी प्रश्न आ जाता है ये कौन सी भाषा में थी, तो फारसी भाषा में। और अगर प्रश्न आता है कि भारत में फारसी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा था, तो वो करना है अपन को बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, जो कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में आपसे प्रश्न आता है। लेकिन उस समय जब ये लिखी गई थी, तो ये सबसे पहले बाबर ने जो लिखी थी वो कौन सी भाषा में थी, तुर्की भाषा में, और उनकी जो क्षेत्रीय भाषा थी वो तुर्की थी। लेकिन कई बार अपन के प्रश्न आ जाता है कि ये फारसी भाषा, फारसी भाषा में, तो ये बाद में लिखा गया ग्रंथ था जो वर्तमान में फारसी भाषा में मिलता है, लेकिन इसकी मूल भाषा कौन सी है, तुर्की। तो अपन कई बार कुछ किताबों में इसके प्रश्न गलत भी मिलते हैं, तो अपन से कभी पूछे कि बाबरनामा मूलतः कौन सी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था, तो उत्तर अपन को कौन सा करना है, तुर्की भाषा, नहीं कि कौन सा करना है, फारसी भाषा। क्योंकि मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा वह कौन सी थी, फारसी, जो पिछली बार अपन के रेलवे की एग्जाम में गया था। एक बार फिर से सुनेंगे, बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा, मूलतः कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी, वो कर दिया अपन को फारसी। बाबर ने आगरा के निकट, आगरा के निकट एक आरामबाग का निर्माण करवाया, आरामबाग का निर्माण करवाया बाबर ने, करवाया था, और इसी आरामबाग में जो बाबर की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मृत्यु हुई थी, तो इसे सबसे पहले आरामबाग में ही दफनाया गया। कभी कभी प्रश्न आता है कि बाबर को कहां पर दफनाया गया, तो अपन को उत्तर करना है आरामबाग में दफनाया गया। कहां पर पड़ता है ये, आगरा के निकट। लेकिन कई बार प्रश्न गलत हो जाता है, मुगल शासक में बाबर एकमात्र ऐसा शासक है जिसे दो बार दफनाया गया, और दो बार दफनाया गया बाबर को, क्योंकि हुमायूं ने इसे आरामबाग में दफना दिया, लेकिन कुछ तुर्क सरदारों ने इसे नहीं चलने दिया, और वे इसे पुनः निकाल करके
और कहाँ ले गए इसे, फरगना ले गए, और फरगना कहने का मतलब कहाँ पर दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया, क्योंकि ये इसका जन्म स्थल था। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि बाबर को कितनी बार दफनाया गया, तो उत्तर करना है उनको दो बार दफनाया गया। पहली बार कहाँ दफनाया गया, तो आरामबाग, आरामबाग का मतलब आगरा में, और दूसरी बार कहाँ दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। इसके बाद अपन क्या आता है, मयूर।